नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वांडरर पाटिल में। आज हम आए हैं फिर से उल्वे, और स्पेसिफिकली आज हम रिव्यू करने वाले उल्वे सेक्टर 26, और आपको बताऊंगा ओवरऑल उल्वे में फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ क्या क्या है। वैसे सेक्टर 26 में आने का रीज़न ये है कि यहाँ पर 2 महीने पहले हम आ चुके हैं, और उस वक्त ये काफ़ी नया सेक्टर था, जस्ट रिलीज था। यहाँ पर काफ़ी बड़े लैंड पार्सल थे, कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुके थे, तो मैंने सोचा 2 महीने का समय बीत चुका है तो अब आकर देखते हैं, रिव्यू करते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ पर एक ये जो सामने से रोड जा रहा है आपको दिख रहा है, जो आधा ही है वो, इनफैक्ट पहले हम आए थे इस रोड से जो कि सेक्टर 24 से 26 को कनेक्ट करता है, लेकिन अभी ये रोड का आधा काम हो चुका है तो सेक्टर 19 से मेन रोड को वो कनेक्ट करता है। अंदर से आप जा सकते हैं और उस रोड को कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्टिविटी वाइज काफ़ी व्यूअर्स ने मुझे पूछा था कि कनेक्टिविटी का क्या सिचुएशन है यहाँ पर, तो वैसे रोड कनेक्टिविटी तो है। बाकी देखिए, रेलवे स्टेशन्स उल्वे में 2 है, तो अब तीसरा स्टेशन तो बनने वाला है नहीं, बन जाए आगे फ्यूचर में पता नहीं, लेकिन 2 रेलवे स्टेशन है। वैसे यहाँ पर अभी भी बजट प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन है, मैं आपको ये पूरा लोकेशन दिखाता हूँ और उसके बाद हम आ जाते हैं। जो लोग को उल्वे के बारे में आइडिया नहीं है उनके लिए हम उल्वे भी एक्सप्लोर करिएगा, तो ट्यून रहिएगा, एपिसोड को एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए उल्वे एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत में आपको बता दूँ, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है भावेश्वर ग्रुप की। 2 महीने पहले जब मैं आया था तो शायद इसके 10 फ्लोर बने थे, आप मेरे पुराने ब्लॉग में देख सकते हैं, और इसके बगल में ये एक नया कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है, नीचे कमर्शियल शॉप्स है। तो यहाँ से हम आगे जाएंगे, और ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं ना, ये डेल्टा का प्लॉट है, ये काफ़ी बड़ा साइज़ का प्लॉट है, लेकिन इस पर अभी भी आई थिंक पाइलिंग का काम शुरू है या प्लिंथ का काम शुरू है, तो इसको तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप आकर यहाँ पर ज़रूर देख सकते हैं, एज एन ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं सेक्टर 26। देखिए, यही वो बिल्डिंग है कृष्णा ऑर्किड, इसके नीचे भी। यहाँ पर मोस्टली जो बिल्डिंग्स होंगे ना, जो स्टैंड अलोन, कन्फर्म उसके नीचे शॉप्स होंगे ही होंगे, क्योंकि गेटेड कम्युनिटी में जो बाहर की तरफ जो कंस्ट्रक्शन होगा वहाँ पर ही शॉप्स होंगे, लेकिन जो स्टैंड अलोन बिल्डिंग है वहाँ पर जो कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए ये ऑप्शन है। दोस्तों, ट्रैवल करके हम थोड़ा अंदर आए, और यहाँ पर ना ये कॉर्नर है सेक्टर 26 का, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। अब इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है ना, जनरली डेवलपर्स जो कॉर्नर साइड का या जो अंदर साइड का जो प्लॉट होता है ना उसको पहले डेवलप करते हैं, बिकॉज जो बाहर के साइड के होते हैं लोग उसके लिए प्रीमियम पे करते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल अंदर के जो जगह है वहाँ पर डेवलपमेंट चालू है। आपको बता दूँ, सामने है ट्राई सिटी, देन द डोमस का प्रोजेक्ट है, यहाँ पर इन्विक्टका है, इसका प्लिंथ का काम चालू है, पाइलिंग का काम चालू है, और यहाँ पे है शिवेश सफायर, जो मैंने पिछले बार बताया था सबसे अफोर्डेबल प्राइसिंग में अराउंड 55 लाख में वो मिल रहा था। अब की प्राइसिंग रिवाइज हो चुकी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि पिछले बार जब हम आए थे यहाँ पर सिर्फ गड्ढा खोदा हुआ था, तो यहाँ पर 2 महीने में इन्होंने ग्राउंड और 1 इनका ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। तो अभी भी यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन है। वैसे इस एरिया के मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों हैं, और जो डीमेरिट्स है ना वो फ़िलहाल के सिचुएशन के लिए है, बिकॉज़ देखिए नया एरिया है, नया डेवलपमेंट है। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं टुवर्ड्स उल्वे जाते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि उल्वे में ये एक फुल फ्लैश सिटी बन चुकी है। इसमें कुछ एलिमेंट्स है जहाँ पर अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल ये सिटी
या फिर ये जो टाउनशिप कह सकते हैं या जो नोड है वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है, ऑलमोस्ट 90% तक डेवलप हो चुका है। मैं इस सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उल्वे की बात कर रहा हूँ। तो आइए अब उल्वे जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि उल्वे में क्या क्या है आपके लिए, आइए। तो दोस्तों, हम सेक्टर 26 से निकल चुके हैं और जैसे ही मैंने आपको बताया था ना, जो एंड का जो कंस्ट्रक्शन है वहाँ से ये सीधा रोड जा रहा है। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि रोड कौन से सेक्टर को कनेक्ट करता है। वैसे रोड काफ़ी मतलब बना हुआ नहीं है, इन्होंने सिर्फ डिगिंग की है और ये प्लेन जैसा स्ट्रक्चर है, इसे रोड नहीं कह सकते। लेकिन हम थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की कनेक्टिविटी आपको कहाँ पर लेके जाती है, यानी उल्वे के कौन से सेक्टर में लेकर जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहाड़ है उसको तोड़ा जा रहा है, यहाँ से जाकर देखते हैं कौन सा सेक्टर है। ओके, ये है सेक्टर 18। सो सेक्टर 18 से कनेक्टिविटी अच्छी है, मतलब रोड तो बन ही रहा है और सेक्टर 18 के थ्रू अब हम एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं उल्वे। दोस्तों, हमें सेक्टर 18 में, मेरे पीछे आप देख सकते हैं मैग्नस हॉस्पिटल, यहाँ पर है प्रोमो और अभी अभी खुल रहा है उन्होंने KFC। ये KFC का आउटलेट है जो खुलने वाला है और जब सुनिए देखो ना, ये है रेलवे ट्रैक। इट हैज टू ऑपरेटिंग रेलवे स्टेशन, वन इज बामन डोगरी, दूसरा है खारकोपर। हमने थोड़ा गूगल पे सर्च किया और पता चला कि बामन डोगरी इज अराउंड मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर फ्रॉम सेक्टर 26। तो बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स थे, व्यूअर्स थे, उनका यह सवाल था कि सेक्टर 26 की कनेक्टिविटी क्या है। अब गूगल मैप तो बता रहा है लेकिन हम खुद जाकर देखेंगे कि बामन डोगरी स्टेशन कितना नज़दीक है वहाँ से। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, रेलवे स्टेशन है। एक चीज़ आपको बता दूँ, जो सामने आप कलरफुल बिल्डिंग्स देख रहे हैं ना, ये है सिडको लॉटरी सिस्टम्स के अपार्टमेंट्स। इनके वेबसाइट पे जाइए, चेक कीजिए, काफ़ी अच्छे हाउसिंग ऑप्शंस हैं और ये सारे माई वन टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, विच मीन्स दीज आर लीक प्रूफ एंड वेरी स्ट्रॉन्ग होम्स। तो चलिए आगे जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, हम रेलवे स्टेशन ढूंढेंगे। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, वो है बामन डोंगरी रेलवे स्टेशन और ये है बड़ी सी सड़क दोनों तरफ रोड के। और एक चीज़ आपने जो ऑब्जर्व की होगी, यहाँ पर हॉकर्स बहुत कम है और इनके बढ़ने के चांसेस ना के बराबर है। इन फ्यूचर ये हॉकर्स एलिमिनेट हो जाएंगे, इनको रोड से हटाया जाएगा, प्राइमरीली बिकॉज PMC और नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दोनों की नो टॉलरेंस पॉलिसी है व्हेन इट कम्स टू हॉकर्स। तो देख सकते हैं आप पीछे जो मैंने आपको पहले बताया था, सिडको के अपार्टमेंट्स, जो अभी भी उसका काम शुरू है। और एक बात इंटरेस्टिंग चीज, मैंने जब गूगल पे देखा था ना, 1.5 किलोमीटर बता रहा था, लेकिन अब हमने एक चीज ऑब्जर्व की है कि जाते वक्त आपको दिखाता हूँ, ये 1.5 किलोमीटर भी शायद 500 से 700 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस, क्योंकि एक रास्ता बनने जा रहा है। तो इमेजिन कीजिए सेक्टर 26 में अगर आप घर ले रहे हैं, जो व्यूअर्स मुझे हमेशा पूछ रहे थे ना रेलवे स्टेशन का क्या डिस्टेंस है, बहुत कम है। आपको इस सड़क पर घर लेने की जरूरत नहीं है, जो फिलहाल बहुत महंगे हैं, आप वहां पर ले सकते हैं और आपके बजट में आएंगे। तो चलिए आपको बाकी का उल्वे और वो रोड भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, हमने स्टेशन से राइट लिया है और थोड़ा आगे जाकर आपको बताता हूँ मैं किस रोड के बारे में बात कर रहा था। वैसे ये व्लॉग थोड़ा सेंटर्ड है टुवर्ड्स सेक्टर 26। तो ये जो अभी आपको जो ट्रक्स और जो डंपर्स ऊपर दिख रहे हैं ना, यहां से वो रोड बन रहा है। इनफैक्ट थोड़ा और आगे जाकर आपको दिखाता हूं, ये देखिए ये रोड यहां से पास थ्रू होगा और वहां पर पूरा कंस्ट्रक्शन है सेक्टर 26 का। पता नहीं यहां पर हमें अलाउ करेंगे कि नहीं, लेकिन थोड़ा रिस्क लेना बनता है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, ये देखिए यहां से वो रोड है और यहां पर पूरा कंस्ट्रक्शन शुरू है। तो यहां से राइट में जाने लायक जगह है कि नहीं, देख लेते हैं। लग तो रही है, ठीक है,
इसके आगे जगह नहीं है तो यू टर्न कर लेते हैं, है शायद। ये लेडी बाइक से आई है, हम भी यही ट्रेल फॉलो करते हैं। देखिए यहां से पीछे से रास्ता वो कनेक्ट कर देगा, तो वॉकेबल डिस्टेंस भी हो सकता है इन फ्यूचर में। मेरे पास डीपी प्लान नहीं है, जो दिख रहा है मैं उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूं। दोस्तों हम है सेक्टर 17 में और यहां पर आप देख सकते हैं रेलवे अब थोड़ी छुप गई है, थोड़ा आगे जाकर देखिए यहां पर है रेलवे, जो स्टेशन मैंने आपको दिखाया था ना, ये कनेक्ट करती है नेरुल बेलापुर उस तरफ। और आगे जाकर मैं आपको दिखाने वाला हूं ट्रांस हार्बर रोड, ये 25 दिसंबर को मोस्ट लाइकली इसकी ओपनिंग है, इनॉग्रेशन है, विच मींस आप मुंबई को कनेक्ट करोगे 20 से 25 मिनट में। और इसका फर्स्ट एग्जिट उल्वे में है। इसका मतलब क्या है कि अगर साउथ मुंबई में आप रहते हो या फिर सेंट्रल मुंबई भी कह सकते हैं, वहां से आपको उल्वे आना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो इफ यू आर वहां पर रह रहे हो, आपका घर छोटा है, आप लाइफ अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हो, घर अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हो, सो दिस इज अ गुड ऑप्शन। वैसे साउथ मुंबई में प्रॉपर्टी रेट्स आप सभी को पता होंगे, ये ओवर द रूफ और पैरेलल यूनिवर्स के उनके प्रॉपर्टी के रेट्स हैं। ये देखिए यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है, ये खार। और दोस्तों ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ना, ये है उल्वे का दूसरा रेलवे स्टेशन जो कि है खारकोपर रेलवे स्टेशन। उल्वे, खारकोपर, नवी मुंबई, यहाँ के स्टेशन की खास बात यह है कि यहाँ पर स्टेशन पे भीड़ बहुत कम है और यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी अवेलेबल है। तो अगर आप स्टेशन से थोड़ा दूर भी रहते हैं तो उतनी दिक्कत नहीं है। हाँ, एक थोड़ा चैलेंज है कि यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको डेवलप होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आपने अगर देखा होगा जब से मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बसेस नहीं दिखाई दी है। तो अगर आपके पास खुद की टू व्हीलर या फोर व्हीलर नहीं है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है ऑटो रिक्शा का, या फिर एक सेंट्रल लोकेशन से आपको रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए बसेस मिल जाएंगी, लेकिन उनकी संख्या काफी कम है। तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, मुझे आपको दिखाना है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड का एग्जिट तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि थोड़ा दूर है, लेकिन हाँ ये देखिए दोस्तों हम है सेक्टर 15 और मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ना, ये है सी लिंक ट्रांस हार्बर रोड जो मुंबई सिवड़ी से उल्वे को कनेक्ट करेगा, उसके आगे चिरले विलेज को कनेक्ट करेगा, जो कि जाके पुष्पक नगर को भी इजीली कनेक्ट करेगा। आप मुंबई से यहाँ पर जैसे मैं कह रहा हूँ 25 मिनट में मैक्सिमम ट्रैवल कर पाएंगे। 25 दिसंबर को यानी क्रिसमस के दिन इसकी ओपनिंग है। मैं इसका व्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करूँगा अगर नॉर्मल कॉमन पीपल को अलाउ करेंगे उस दिन वो, नहीं तो जिस दिन भी मुझे एक्सेस मिलेगा उस रोड का उसका पूरा डिटेल ब्लॉग बनाऊँगा, क्योंकि मुझे देखना है, इतनी बातें की है इस प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको दिखाना तो बनता ही है। ये एग्जिट करता है यहाँ और ये देखिए अगेन मैं आपको बता रहा हूँ सिडको के बहुत सारे अपार्टमेंट्स इस लोकेशन में अवेलेबल है, दूसरे भी है लेकिन सिडको के थोड़े कॉस्ट फ्रेंडली है, इतने भी सस्ते नहीं है लेकिन कंपैरेटिवली कॉस्ट फ्रेंडली है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी अच्छी है। तो आपको रेलवे स्टेशन दिखा दिया, आपको ट्रांस हार्बर दिखा दिया, आपको नए डेवलपमेंट दिखा दिए, अब मैं आपको थोड़े रिटेल स्पेसेस और दूसरे इंस्टीट्यूट जो उल्वे में है वो दिखाऊंगा। आइए दोस्तों मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ना वो है रामशेठ ठाकुर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो अगर आपके बच्चों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, दूसरे एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है, तो आपके सारे हॉबीज़ और एस्पिरेशन व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स आप यहां पर पूरे कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्प्लेक्स फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। ऑब्वियसली आई डू नॉट हैव एनी आइडिया कि कितनी फीस है और कितना उनका मेम्बरशिप कॉस्ट है, बट इट्स अ गुड ऑप्शन। आप देख सकते हैं बड़ा ग्राउंड भी है उनके पास और यहाँ पर टर्फ भी है,
तो बहुत सारे स्पोर्ट्स आप यहाँ पर खेल सकते हैं, इनके पास स्विमिंग वगैरह जो भी नॉर्मली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में था वो सारी चीजें यहाँ पर है। दोस्तों हम हैं उल्वे के जो रिलायंस का जो पार्क है, आप लेफ्ट में जो स्क्रीन के एक स्टेडियम है जो रिलायंस ने डेवलप किया, और यहाँ पर देखिए रिलायंस जियो इंस्टीट्यूट रोड के दोनों साइड है और एक काफ़ी वाइड रोड दोनों के बीच से गया है। वैसे ऐसी अटकलें हैं कि रिलायंस ने या जियो इंस्टीट्यूट ने काफ़ी बड़ा लैंड प्रोक्योर किया है यहाँ पर, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट बनने वाले हैं या बन चुके हैं। मैंने भी एक दो एपिसोड देखे हैं जहाँ पर कुछ वेल एजुकेटेड साइंटिस्ट एंड यू नो हाईली एलीट पीपल जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है वो यहाँ पर रहने आ चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। दोस्तों हम हैं सेक्टर 19 में, और जैसे मैंने आपको कहा ना, यहाँ पर जो रिटेल स्पेस है, जो मापदंड है हमारे सोसाइटी के कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो दुकानें हैं MNC कंपनीज की, जब तक वो नहीं आती हम किसी शहर को विकसित नहीं मानते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी रिटेल आउटलेट्स है, यहाँ पर हॉस्पिटल्स है। इनफैक्ट ये जो आप कॉरपोरेट टाइप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी है, बड़ा हॉस्पिटल है। सामने आप देख सकते हैं रिलायंस जो कि भारतीय कंपनी है, उसका आउटलेट है, उसके आगे ट्रेंड्स है, और रोड के बगल में और भी सारे रिटेल स्पेसेस है। इनफैक्ट उल्वे का ये सबसे पॉपुलर और सबसे पॉपुलेटेड लोकेशन है। यहाँ पर आपको फिश वेंडर्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पर वेजिटेबल वेंडर्स भी मिल जाएंगे, फ्रूट वेंडर्स भी मिल जाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन सेक्टर 19 में अवेलेबल है, जो कि स्टेशन के बिल्कुल सामने है, और यहाँ से सेक्टर 26 जो मैंने आपको दिखाया था वो इजीली कनेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा ब्लॉग उल्वे के बारे में। अब आपको बताऊँ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो प्राइमरी एडवांटेज, इट्स अ गुड लोकेशन, वेल डेवलप्ड लोकेशन, यहाँ पर सारी एमिनिटीज अवेलेबल है, मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट है। रही बात डीमेरिट्स की, तो आपके पास खुद की व्हीकल होनी चाहिए। NMMT के बसेज है, AC बसेज यहाँ पर अवेलेबल है, बट वो सिर्फ आपको स्पेसिफिक लोकेशंस पे लेकर जाएंगे, अदरवाइज यू हैव टू यूज योर ओन ट्रांसपोर्ट और ऑटो रिक्शास। स्कूल कॉलेजेस, स्कूल्स अवेलेबल है, कॉलेजेस यहाँ पर अवेलेबल फिलहाल नहीं है। तो द नियरेस्ट कॉलेज ऑप्शन विल बी इन बेलापुर और कारगर और नेरुल। रही बात हॉस्पिटल्स की, वो भी है। दूसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस लोकेशन का वो हो सकता है कि अगर आप जॉब के लिए टुवर्ड्स वेस्टर्न सबब जाते हो तो आपके लिए डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। टुवर्ड्स थाने जाते हो तो रेल कनेक्टिविटी है, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर आप डिस्टेंस मैनेज कर सकते हो, वो टाइम मैनेज कर सकते हो, देन इट्स अ गुड लोकेशन। प्राइसिंग वाइज इट्स नॉट दैट चीप। सेक्टर 26 इज स्टिल विद इन बजट, बट अदर सेक्टर्स आर ऑलरेडी एक्सपेंसिव टू द एक्सटेंट ऑफ 60 lakhs to 80 lakhs। अब वो डिपेंड करता है आप किस लोकेशन में ले रहे हो, किस कॉन्फ़िगरेशन में ले रहे हो, 1 BHK, 2 BHK, आप गेटेड कम्युनिटी में ले रहे हो या फिर स्टैंड अलोन बिल्डिंग में ले रहे हो, रीसेल में ले रहे हो, नए ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन कोई भी वेबसाइट पे चले जाइए, आपको मिल जाएंगी। वैसे सेक्टर स्पेसिफिक और लोकेशन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। एंड में कहना चाहूँगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 90% ऑफ माई व्यूअर्स डोंट सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट मी। Thank you so much from Wonderful Patil. Have a blessed day. Thank you all and meet you in the next vlog.